पुस्तक साहित्य माला जमात 9वीं। कविता का नाम जवान पंजाब दे। कवि प्रोफेसर पूरन सिंह। विद्यार्थियों, प्रोफेसर पूरन सिंह माण है कि उसने पंजाबी दे विच खुली कविता लिखण दी पिरत पाई है। अगर उन्हों का संखेप जीवन ब्यौरा देखिए तो वो असी देख रहे हैं, जिस तरह कि तुसी भी अपनी स्क्रीन नू देख रहे होंगे, पंजाबी साहित्य का अलबेला कवि 17 दसंबर 1881 नू पिता सरदार करतार सिंह ते माता परमा देवी दे घर एबटाबाद पाकिस्तान दे नेड़े पिंड सलहड विच जमया। प्रोफेसर पूरन सिंह ने जापान विच उच्च विद्या प्राप्त की। आप एक विज्ञानी, फिलोसफर अते महान कवि सन। कविता दे नाल आपने पंजाबी, हिंदी अते अंग्रेजी विच उच्च पद्धर दी वार्तक भी लिखी। आप दी कविता वार्तकमई अते वार्तक काव्यमई है। कविता विच दरिया वर्गा वहिण है। अक्खरां दे अक्खर वगदे जांदे हन। अक्खरां दे इस वगदे दरिया नूं सैलानी छंद दा नां दित्ता गया है। पंजाब दी धरती, इत्थों दे लोक ते इत्थों दे सभ्याचार दा प्रगटा जिहड़ा उन्हां दी कविता विच होया है, उस दीआं उदाहरणां पंजाबी साहित विच टावियां टावियां ही हन। आप दे 3 काव्य संग्रह खुल्ले मैदान, खुल्ले कुंड, खुल्ले आसमानी रंग अते खुल्ले लेख वार्तक रचना दीआं आप दीआं प्रसिद्ध पुस्तकां हन। जवान पंजाब दे कविता दा कविता पाठ। जवान पंजाब दे ये बेपरवाह पंजाब दे मौत नू मखौलां करन, मरन थी नहीं डरदे प्यार नाल ए करन गुलामी। जान को अपनी वार देन दे पर टै ना मनन किसे दी। खलो जान डांगा मोढ़े ते उलार दे, मनन बस एक अपनी जवानी दे जोर नू। अखड़ खांद अलबेले ਧੁਰਥੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਜੀਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜਵਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਲੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਥੀ ਵਿਹਲੇ, ਦੀਨ ਥੀ ਵੀ ਵਿਹਲੇ, ਰਲੇ ਨਾ ਰਲੀਂਦੇ ਕਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਮੰਨੇ ਨਾ ਮਨੀਂਦੇ ਕਦੀ ਕੁੱਦ ਕੁੱਦ ਉੱਛਲਦੇ ਡੁੱਲਦੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਏ ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਹ ਉੱਤੇ ਉੱਲਰਦੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਤੇ ਰੀਝਣ ਪਸੀਜਣ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੌੜ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਥੌ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਈ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਿਲ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੇ, ਸੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਰੰਝੇਟੜੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਬੇਲਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਬਾਲ ਨਾਥ ਪਛਤਾਇਆ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜੋਗ ਦੇ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾ ਹੱਥ ਰੋਇਆ। ਇਸ ਜੱਟ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਜੋਗ ਸੀ, ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਟੋਰਿਆ ਟਿੱਲੇ ਥੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਹਾਰਿਆ, ਤੇ ਮਚਲਾ ਜੱਟ ਆਖੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਲੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋੜ ਬਾਵਾ, ਤੇ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁੜ ਸਾਬਤ ਕਰ ਤੂੰ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਚਾ ਪਾੜਿਆ, ਜੋਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨਾਥਾ ਦੱਸ ਖਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਤੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਖੜਕਦਾ, ਨਾਮ ਪਿਆ ਵੱਜਦਾ। ਜੋਗ ਤੇਰਾ ਹੋੜਦਾ ਇਸ਼ਕ ਥੀ ਕਮਲਿਆ, ਮੋੜ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਲੈ ਮੋੜ ਆਪਣੀ ਮੁੰਦਰਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਖੁੱਲਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਬੁਕ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦਾ। ਕੋਤਲ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਸੰਵਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ, ਤੇ ਵਹੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ
तद तां पल छिण रुमक रुमक तुरन ए पर फिर भी खतरा इन्हां दे अथरे पणदा हरदम रहिंदा बांके छबीले पंजाब प्यार दे रहण वाले पंजाबी मावां दे पुत्तर रखण ना जान संभाल ए जान नू वारन ए जान दे लहू वीटण थी ना डरन ए ते जंग मैदान विच नसना ना पछाण दे करन की ए ओड़क दा रू जोर आया पंजाब विच सतगुरां दे कदमां ते राह दे सदके हड़ आए रब दे प्रकाश दे ते ठिल्लण ना ए पंजाबी ए वस किस दे ए जीन थीन जोर ला ला कुछ वस ना किसे दे पंजाब विच सतगुरां दी निगाह विच जीवन बिजलियां दे असगा दरिया वग उठे चना ते रावी दे सतलुज दे ब्यास ते जेलम ते अटक सब बल उठे गुरु दा जाप साहिब गौंदे इउं अथा प्रवाह होया सुक्का ना रहा कोई थां हिंदू मुसलमान पंछी पशु आदमी सब भिज्या डुब्या अमृत उस निगाह विच इत्थे जान आई रूह आया बख्शदा इत्थे चा दे असमान टुटे इत्थे हुसन खुदाई दा अवतार आया इत्थे दिल चुभवियां मूरतां निगाह दे तीरां दे मी इत्थे दाते बलकार आए इत्थे साईं दे प्यारे आए इस धरती विच कलगी वाले दे घोड़े दे सुम्मां दी टाप लगी इत्थे सतगुरां सच्चे पातशाह दा निवास है आओ ढोले यारो खुल विच बेशक हुण बजाओ अलगोजे पोठो हार दे बनन बैंत उड्डन रंग गुलाल दे दिल दियां मौजां रब्बी जवानियां पीड़ां मुड कदीम दियां हां एवें जद दिल अके उठ डांगां वरसाओ वांग आंदियां ए तुसां दे डौलियां नूं वर्जश जरूर है खुले खेतां ते हवावां वाटां लम्मियां ते सैर पैर वाणियां टुरना शाम वेड़े घर आवना पंजा को मार के वाह शेर जवानीए कम कुछ ना पैंडा मारना जरा लत्ता हिलाण नूं। विद्यार्थियों इस कविता दे नाल साड़ी सांझ जिहड़ी है कुछ नवें शब्दां नाल भी पै रही है क्योंकि असीं अपने शब्द भंडार दा भी बहुत सारा विकास करना है। सो आओ वो नवें शब्द अते उन्हां दे अर्थां उपर एक झाती मार लईए। टैं टैं दा अर्थ है रोब जां तौंस अखड़ खांद हठ पूरा करन वाले अलबेले मस्त दीन दीन दा अर्थ है धर्म पसीजन खुश हुंदे थौ थौ पता चाबक कोरड़ा कोतल घोड़ा चंगी नसल दा सवारी घोड़ा ठुमक ठुमक हौली हौली भाव मटक नाल तुरना बलकार बलवान जां योधा पशेमान पछताउणा अथरापण आजाद सुभा खुला डुला सुभा वीटण डोलण असगाह अथा जिसदा थौ पता ना लगे हुसन सुहप्पण खुदाई रब्बी शक्ति सुम्मा दी टाप घोड़े दे पौड़ा दी आवाज़ वर्जश कसरत पैर वाणिया नंगे पैरी। प्रसंग सहित व्याख्या करो काव पैरा मर्जी दे मालक ए दिल दे चा उत्ते उलर दे निक्के निक्के प्यार दे किणकियां ते रीजण पसीजण सारे ते वड्डियां वड्डियां गल्लां नूं लत मार दौड़ जाण। ये साडा काव पैरा इस दी फिर आपां प्रसंग अते व्याख्या करांगे। प्रसंग ये काव सत्रां साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक साहित माला विच्चों लईयां गईयां हन। ये प्रोफेसर पूरन सिंह की कविता जवान पंजाब दे दा हिस्सा हन। इस कविता विच कवि ने
पंजाब दे मस्त अलबेले ते आजादी पसंद नौजवानों की तारीफ की है। व्याख्या। कवि पूरन सिंह अनुसार पंजाब दे नौजवान मर्जी दे मालक हन। वो अपने दिल की गल सुनते हैं, कदे कदे वो बहुत निक्की जिही गल उपर भी पसीज जाते हैं, कदे कदे वो वड्डिया चीज़ों भी नकार देंदे हैं। केंद्री भाव। जवान पंजाब दे कविता पंजाबी दे प्रसिद्ध कवि प्रोफेसर पूरन सिंह की उत्तम रचना है। ये साड़ी पंजाबी दी पाठ पुस्तक साहित माला विच दर्ज है। इस कविता विच कवि पंजाब दे मस्त अलबेले अखड़ सादे जुझारू हिम्मती अते दृढ़ इरादे वाले नौजवानों की सिफत करता है। कवि अनुसार पंजाब गुरां दे नाम ते वसदा है अते इत्थों दे अणखीले नौजवान प्यार दी गुलामी तां कर सकते हैं पर किसी की टै नहीं मानते। प्रश्न। जवान पंजाब दे कविता विच केड़े केड़े दरियावां दा जिक्र आया है? उत्तर। प्रोफेसर पूरन सिंह दी प्रसिद्ध कविता जवान पंजाब दे विच सतलुज ब्यास रावी जेलम चनाब अते अटक दरियावां दा जिक्र आया है। प्रश्न। बालनाथ रांझे नूं जोग दे के क्यों पछताया? उत्तर। बालनाथ रांझे नूं जोग दे के इसलिए पछताया क्योंकि प्यार दे रंग विच मस्त होया अलबेला रांझा योग मत दी हठ धर्मी अते कठोर निजमां नूं मन्नण तों इनकारी सी।